हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, आपके हाथ नहीं आएगा अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है? तो जाइए और जल्दी वीडियो देखिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि मुझे फायदा हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप खरीदो और आपको फायदा हो। तो चलिए, आज का जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं वो है डीएलएफ के बारे में, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। यहाँ पर देख लो, कोटक महिंद्रा बैंक जस्ट 9 मिनट अगो मैंने ये भी अपलोड किया, 9 आवर्स अगो, 12 आवर्स अगो, तो 9 मिनट अगो। अभी जाके देखिए, मार्केट ओपन होने में भी अभी टाइम है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने DLF। दोस्तों, ये स्टॉक में रैली आने वाली है, तेजी आएगी, शायद बहुत अच्छा कमाल कर देगा, बहुत अच्छा कमाल कर दिखाएगा। दोस्तों, ऐसे स्टॉक हमारे हाथ नहीं आने वाला, तो अगर आपने नहीं खरीदा तो सोचना नहीं है दोस्तों, जल्दी से हाथ मारना है और लेके निकल जाना है। और स्टॉक में देख सकते हो थोड़ी बहुत करेक्शन आई थी दोस्तों, थोड़ी बहुत करेक्शन आई थी, लेकिन फिर से ये देखिए अपर मूवमेंट में जाएगा। ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ग्राफ को देखकर, ठीक है? ये स्टॉक जब भी देखिए ये लेता है दोस्तों, जब ऊपर चला जाता है अपर सर्किट लगा देता है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा नखड़ा करता है, मतलब कि लोगों को डराता है, पेशेंस को जो है खोना चाहता है, आपके पेशेंस को डराता है। उसके बाद आप चाहते हो, मार्केट चाहता है कि आप अपना कंट्रोल खो दो, उसी की वजह से यहाँ पर देखिए हाईएस्ट कितना बनाया था, यहाँ पर कितना बनाया था 236 के आसपास, लोएस्ट कितना बना दिया दोस्तों 216 के आसपास, तो लोगों को डरा देता है और लोग एग्जिट कर जाते हैं। आप सोचिए, खुद से सोचिए, जब भी आप एग्जिट करते हो किसी भी स्टॉक में से, क्या वो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होता है या नहीं होता? होता है ना। तो इसलिए आप स्टॉक को छोड़ दो, देखो ही मत, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। हर एक देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, वन डे का, ठीक है? वन डे का चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों, इतना देखिए फ्लक्चुएशन है, यहाँ देखिए अप डाउन, आपको देखिए यहाँ डायरेक्ट यहां आया, फिर यहां से वहां गया, फिर यहां से आया, फिर यहां से आ गया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसीलिए थिंक पॉजिटिव, थिंक लॉन्ग टर्म, आपको प्रॉफिट तो हाथ से जाएगा नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूं, आपको मार्केट कंफ्यूज करना सोचेगा, आपको डराएगा कि आप किसी तरह निकल जाओ, लेकिन अगर आपके अंदर जो पेशेंस है तो आप पैसा बना लोगे दोस्तों। तो मैं बोलता हूँ आने वाले बजट में हो सकता है दोस्तों डीएलएफ कंपनी के लिए कोई ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ अच्छी न्यूज़ तो आ जाएगी। अगर आ जाती है दोस्तों, उसके स्टॉक में और भी रैली आने के लिए संभावना है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो थोड़ी बहुत खरीद के रख सकते हो, और खरीदने से पहले मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़े स्टॉक के बारे में देख लो, क्योंकि पैसा आपका रहता है, आप दिमाग लगाओगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाना आपको है दोस्तों। तो ऐसे स्टॉक को भूलो मत, और स्टॉक में जब तेजी आती है तो किसी को भी नहीं छोड़ता। यहाँ पर देख लो, लोवेस्ट मार था 140 के आसपास, उसके बाद यहाँ पर देखिए हाईएस्ट कितना मार दिया 270 के आसपास, तो इतना अच्छा तेजी आपको दे रहा है, लेकिन उसमें क्या करना है आपको, अच्छी कंपनी में पैसा तो लगाया है आपने, आपने सही जगह पैसा लगाया, लेकिन और क्या लगाना चाहिए था पैसे के साथ, क्योंकि पैसे से पैसा नहीं बनता, पेशेंस से पैसा बनता है। देखो दोस्तों, पैसे तो सबके पास है, पेशेंस किसके पास है वही पैसा बना लेता है। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, और देख लो सियोर्स जोरो जैसे लोग हैं, सियोर्स जोरो, उनको जैसे क्या है, उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, उनके पास पेशेंस था, दिमाग था। और हम आजकल क्या करते हैं, मार्केट में लाखों रुपया लाते हैं, जितना भी होता है, जहाँ से भी होता है, घर द्वार बेच देते हैं, सब कुछ बेचने के बाद एक तो कर्ज भी ले लेते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, उसके बाद भी शेयर मार्केट में आकर पैसा लगाते हैं और डूब जाता है। क्यों? क्योंकि हमने मार्केट में क्या लगाया, पैसा लगाया, अपना दिमाग तो लगाया ही नहीं दोस्तों। यहां देख रहे हो, गले से नीचे लाखों रुपया इंसान खर्च करता है अपने ऊपर, लेकिन गले से ऊपर मतलब दिमाग पे एक रुपया भी कोई खर्च नहीं करता है। तो ठीक है, ऐसे कंपनी पे आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम इससे भी अच्छे अच्छे स्टॉक बताएंगे। ये वीडियो शॉर्ट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है, वीडियो अपलोड करना चाहता हूं, सॉरी। तो मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में।